वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको जैसा कि पता है कि वैदिक सभ्यता का क्लास मैं आपको दे रहा था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, साथ ही साथ ऋग्वैदिक काल क्या था वो बता दिया था। अब मैं आपको इसका भौगोलिक विस्तार बताऊंगा आज। तो देखिए, आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद। भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था ये हमें कहाँ से पता लगता है? ऋग्वेद एक ग्रंथ है, उससे हमें ही पता चलता है। आपको पता ही होगा वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव का उल्लेख मिलता है। सप्त सैंधव मतलब सात नदियों द्वारा सींचा जाने वाला प्रदेश। सप्त सैंधव का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है सात नदियों का क्षेत्र। ये नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री यानी सतलज, विपास यानी व्यास, बहुश्री यानी रावी, वितस्ता यानी छेदम, अस्कनी यानी चिनाब। इनका विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहलाता है। जो आपका सतलज से यमुना तक का क्षेत्र है उसको ब्रह्मवर्त बोलते हैं। मनुस्मृति जो है उसमें सरस्वती और दिशवती नदी के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि आर्यों ने बाद में गंगा और यमुना के मैदानों को भी जीत लिया तथा उसको ब्रह्माशी देश कहा। ठीक है, बाद में उन्होंने गंगा और यमुना के मैदानों को भी जीत लिया, उसको ब्रह्माशी देश कहा। ऋग्वेद में क्या बोलते हैं, 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। जब आप वैदिक साहित्य देखेंगे तो 31 नदियों का उल्लेख मिलेगा। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है उसमें केवल 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सिंधु। और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। सरस्वती के लिए देवित्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा ये शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इससे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सरस्वती आज के समय विलुप्त हो चुकी है। हरियाणा में वैज्ञानिकों ने खोजा था उसको, ये जमीन के अंदर पाई गई। तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। ठीक है, तो ये था इसका भौगोलिक विस्तार। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का सामाजिक स्थिति क्या थी। तब तक के लिए बने रहें। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।